हेलो स्टूडेंट्स, इजी लर्निंग क्लासरूम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम, क्या इसका मैकेनिज्म होता है और कौन कौन सी वेव्स होती है जो कि इसके अंदर हम लोग नोट करते हैं और किस वेव का क्या मतलब होता है, ये सभी चीज़ें आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के जो लेक्चर्स है आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं वहाँ से देख सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस जो अभी तक अपलोड किए हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोएनसीफेलोग्राफी क्या होती है? इलेक्ट्रोएनसीफेलोग्राफी जो है ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए एक टेक्निक है। इसके अंदर हम लोग छोटे छोटे कैप लाइक इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, एक इलेक्ट्रोड्स का सेट होता है जो कैप की तरह बना होता है, उस कैप को स्कल्प के ऊपर यानी सर के ऊपर लगा करके मशीन के थ्रू हम लोग जो इलेक्ट्रोएनसीफेलोग्राम होता है उस डिवाइस के थ्रू ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे कि हम लोग ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग जैसे कि स्लीप, रेस्ट और एक्टिविटी के टाइम, और ब्रेन की एबनॉर्मल फंक्शनिंग जैसे कि डिजीज कंडीशन, एपिलेप्सी, ट्यूमर, ट्रोमा, इमोशनल स्ट्रेस, इन सभी कंडीशन में हम लोग ब्रेन की फंक्शनिंग को असेस कर पाएँ। अब बात करते हैं डिस्कवरी की। तो इलेक्ट्रोएनसीफेलोग्राफी को जो सबसे पहले डिस्कवर किया था यानी सबसे पहले ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने वाले साइंटिस्ट थे हैंस बर्गर, जिन्होंने 1924 से 1929 तक ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया था। सबसे पहले अल्फा वेव को इन्होंने रिकॉर्ड किया था। और ईईजी जो होता है इलेक्ट्रोएनसीफेलोग्राम, वो गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। जैसा हम लोग ने ईसीजी के बारे में पढ़ा था कि ईसीजी जो डिवाइस होती है वो भी गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पर काम करती है। क्यों? क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो जो इलेक्ट्रिकल चेंज होते हैं उनको असेस करता है। तो जो दोनों ही डिवाइस के अंदर क्या लगे होते हैं, मिनी गैल्वेनोमीटर्स लगे होते हैं, और इस तरीके से पेपर स्ट्रिप बाहर निकलती है और जो ये निडिल होती है उसके ऊपर इंक होता है, और जैसे जैसे पेपर बाहर आएगा इस तरीके से ब्रेन की एक्टिविटी से ये पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ में निडिल मूव करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पैटर्न बन जाता है। और इन्हीं पैटर्न को रीड करके हम लोग अलग अलग ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग और एबनॉर्मल फंक्शनिंग को असेस करते हैं। इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रोड्स का सेट होता है वो स्कल्प के ऊपर, दोनों डायग्राम के अंदर हम लोग देख सकते हैं, दो स्कल्प के ऊपर इस तरीके से कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं ऑलरेडी, ताकि उनकी पोजिशनिंग की प्रॉब्लम ना आए। तो ये इलेक्ट्रोड का जो सेट है स्कल्प के ऊपर रखा जाता है, देन आफ्टर डिवाइस के थ्रू ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अलग अलग पाँच तरीके की वेव्स यहाँ पर बनती है, उन पाँचों वेव्स को आगे की स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे। पांच टाइप की वेव्स बनती है जो कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट से अलग अलग तरीके की वेव्स जो है निकलती है, उन वेव्स की स्टडी करके हम लोग आगे ब्रेन की एक्टिविटी को समझने वाले हैं। तो वो पांचों वेव है अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव, डेल्टा वेव और गामा वेव। ब्रेन के अलग अलग एक्टिविटी में ये अलग अलग वेव अराइज होती है जिनको फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अल्फा वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकेंड की ड्यूरेशन के अंदर कितनी बार ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, वो चीज़ होता है फ्रिक्वेंसी। तो जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो अगर ये एक सेकेंड का टाइम है अगर पेपर स्ट्रिप के अंदर, तो इसको हम कहेंगे पांच फ्रिक्वेंसी। तो ऐसे अल्फा वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 8 से 13 फ्रिक्वेंसी पर सेकेंड होती है। ऐसे बीटा वेव की 14 to 30, थीटा वेव की 4 to 7, डेल्टा वेव जो होती है सबसे कम फ्रिक्वेंसी होती है 1 to 5, और गामा वेव की सबसे ज़्यादा होती है 40 से 100 हर्ट्ज में भी नाप सकते हैं इनको, या फिर साइकिल पर सेकेंड के अकॉर्डिंग भी नाप सकते हैं। तो फर्स्ट वेव होती है अल्फा वेव। अल्फा वेव की फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं 8 से 13 हर्ट्ज होती है, और अल्फा वेव जो अराइज होती है ऑक्सीपिटल एरिया, ब्रेन का जो ऑक्सीपिटल रीजन है वहाँ पे जो लगे हुए इलेक्ट्रोड होते हैं उन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू अल्फा वेव अराइज होती है। और अल्फा वेव जो अराइज होती है वो नॉर्मल एक्टिविटी के टाइम पर्सन अवेक यानी जाग रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है विद क्लोज्ड आइज, इट मीन्स आइज क्लोज्ड है लेकिन पर्सन अवेक है, स्लीप के अंदर नहीं है, तो भी अल्फा वेव अराइज होती है। या फिर मेडिटेशन के टाइम पे भी ब्रेन एक्टिव रहता है, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेन जब जब एक्टिव रहेगा, चाहे आँखें खुली रहे चाहे आँखें बंद रहे, दोनों ही केसेज के अंदर अल्फा वेव जो है बनती है और वो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करती है। और अल्फा वेव अगर बन रही है तो वो पर्सन के काम एंड रिलैक्स्ड यानी शांत जो स्टेट ऑफ ब्रेन को सो करती है, और ये जो वेव्स है स्लीप सोते टाइम पे एब्सेंट होती है क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी उस टाइम पे नहीं होती है।
देन दूसरे नंबर पे जो वेव्स है वो होती है बीटा वेव्स। तो बीटा वेव की फ्रीक्वेंसी होती है 14 to 30 हर्ट्ज़, और बीटा वेव आती है फ्रंटल एंड पैराइटल रीजन ऑफ सेरेब्रम, यानी ब्रेन के फ्रंटल और पैराइटल रीजन से पे जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं वहाँ से ये अराइज होती है। और ये कब अराइज होती है, जब पर्सन क्या होता है एक्टिव होता है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे। इट मीन्स अल्फा वेव तो जब हम अराउज होते हैं उस टाइम पे होनी है, लेकिन अगर जब ब्रेन की कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई लर्निंग हो रही है, या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, या कुछ चीज़ लर्न कर रहे हैं, यानी कोई सेंसरी इनपुट ले रहे हैं हम लोग, स्मेल है या कुछ भी सेंसरी इनपुट जा रहा है, उस टाइम पे बीटा वेव भी वहाँ पर अराइज होगी। इट मीन्स पर्सन जाग रहा है तो अल्फा वेव बन जाती है, प्लस अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कर रहा है तो साथ ही साथ में बीटा वेव भी वहाँ पर बनने लग जाती है। देन जो थर्ड वेव होती है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा वेव। थीटा वेव की फ्रीक्वेंसी होती है 4 to 7, और ये जो होती है ब्रेन के टेम्पोरल रीजन से अराइज होती है। इट मीन्स टेम्पोरल रीजन पे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन इलेक्ट्रोड से जो पैटर्न बनेगा वो जो होंगे वो थीटा वेव को रिप्रेजेंट करेंगे। ये ओनली प्रेजेंट कब होती है, जब पर्सन इमोशनल स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, या फिर ब्रेन में कोई डिसऑर्डर होता है, ट्यूमर होता है, या स्ट्रोक होता है, उस टाइम पे ये अराइज होती है, अदरवाइज ये प्रेजेंट नहीं होती है। पर्सन जब डे ड्रीमिंग कर रहा होता है या ड्राउजीनेस कंडीशन में होता है उस टाइम पे भी ये बनती है। तो एडल्ट्स के अंदर ये ओनली कब बनेगी, जब पर्सन फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस या तनाव में होगा उसी टाइम बनती है, जबकि चिल्ड्रंस के अंदर ये नॉर्मली देखा जाता है कि प्रेजेंट होती है। तो इन वेव्स को देखने के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मली तो ये प्रेजेंट होती नहीं है, तो पर्सन से इमोशनल जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, ताकि पर्सन इमोशनल स्ट्रेस में आए उस टाइम पे ईईजी इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम जो है उसके अंदर ये वेव्स अराइज होती है। देन अगली वेव्स होती है डेल्टा वेव। तो डेल्टा वेव की फ्रीक्वेंसी हम लोग देख पा रहे हैं 1 to 5 हर्ट्ज़ तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, और डेल्टा वेव जो है कॉर्टेक्स रीजन जो होता है ब्रेन का वहाँ से बनती है। और ये कब प्रेजेंट होती है, ड्यूरिंग स्लीप टाइम ओनली। इट मीन्स स्लीप के टाइम पे जो ओनली वेव्स होंगी वो कौन सी होगी, डेल्टा वेव। बाकी स्लीप के टाइम कोई भी वेव प्रेजेंट नहीं होती है। इट मीन्स उल्टा भी बोल सकते हैं कि डेल्टा वेव अवेक कंडीशन यानी जाग रहे होते हैं उस टाइम पे एब्सेंट होती है, और अगर ये जागते टाइम पे प्रेजेंट हो तो उस टाइम पे ब्रेन डैमेज, एपिलेप्सी, ट्यूमर, डिप्रेशन, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए, उन सभी कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है इस वाले पॉइंट में, कि स्लीप के अंदर दो स्टेजेस होती है, नॉन रेम स्लीप और रेम स्लीप। तो ये कौन सी स्टेज में प्रेजेंट होती है, ओनली नॉन रेम स्लीप के अंदर, रेम स्लीप में एब्सेंट होती है। अब रेम स्लीप, नॉन रेम स्लीप क्या है वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन अगली और आखिरी वेव्स जो होती है गामा वेव, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 40 to 100 हर्ट्ज़ होती है, और ये ओनली प्रेजेंट होती है जब हम लोग हायर प्रोसेसिंग टास्क कर रहे होते हैं, कोई भी लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, इस इन समय पे ये वेव्स जो है अराइज होती है। तो हम लोग देखेंगे जो पर्सन मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इट मीन्स लर्निंग, मेमोरी उनमें नहीं होती है, तो उसमें गामा वेव की फ्रीक्वेंसी 40 से कम मिलेगी। और जिन पर्सन की आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस होता है, उस टाइम पे ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे गामा वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्लीप साइकिल के बारे में, तो उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और तो हम लोग पढ़ते हैं स्लीप साइकिल। तो स्लीप साइकिल की दो स्टेजेस होती है जिसे हम लोग डिवाइड करते हैं नॉन रेम और रेम स्लीप के अंदर। एक्चुअली रेम का मतलब होता है रैंडम आई मूवमेंट, यानी ऐसी स्लीप जिसके अंदर आई मूवमेंट रैंडमली हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे रेम स्लीप, और अगर आई का मूवमेंट नहीं हो रहा है, आई बॉल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसे नॉन रेम स्लीप हम लोग कहते हैं। तो जो सबसे पहले जो स्टेजेज आती है वो कहलाती है नॉन रेम, यानी इस स्लीप के अंदर आँखों का मूवमेंट पर्सन के अंदर नहीं होता है। तो इसको जनरली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्टेज को हम लोग लाइट स्लीप बोलते हैं, सेकेंड भी लाइट स्लीप के अंदर आती है, थर्ड और फोर्थ स्टेज होती है वो डीप स्लीप यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, सेकेंड स्टेज के अंदर आई मूवमेंट रुक जाते हैं, ब्रेन वेव्स जो है स्लो हो जाते हैं, और बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इम्पोर्टेंट है थर्ड स्टेज की एक्टिविटी हमें याद रखनी है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जितने भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे स्लीप वॉकिंग होती है, नाइट टेरर्स होते हैं,
स्लीप नींद के अंदर बातें करना, बेड वेटिंग करना, बिस्तर गीला कर देना, ये इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो डीप स्लीप यानी नॉन रेम की थर्ड स्टेज के अंदर जनरली देखने को मिलती है। और फोर्थ स्टेज डीपेस्ट स्लीप होती है जिसके अंदर पर्सन को अराउज करना ऑलमोस्ट मुश्किल होता है, बट अगर अराउज कर देते हैं पर्सन को तो उस टाइम पर पर्सन डिसओरिएंटेड फील करता है। और दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है रैम स्लीप। तो रैम स्लीप के अंदर आँखों की जो मूवमेंट है, आईबॉल का मूवमेंट है, साइड टू साइड मूवमेंट होता है और फास्ट मूवमेंट होता है, और इसी वजह से इस स्लीप के अंदर जो है ड्रीम्स आते हैं पर्सन को। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ड्रीम्स कौन सी स्लीप में आते हैं? रैम स्लीप के अंदर। जबकि जितनी भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो किस में आते हैं? नॉन रैम की कौन सी स्टेज के अंदर? थर्ड स्टेज के अंदर आते हैं। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर दें ताकि मुझे पता लगे कि आप पढ़ रहे भी हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो आप कितना इसको समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि ईईजी वेव पैटर्न दैट मोस्ट प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन अवेक रिलैक्स्ड पर्सन विद क्लोज्ड आईज, यानी पर्सन जाग रहा है, रिलैक्स्ड है और आँखें क्लोज है, तो इनमें से कौन सी वेव उस पर्सन के ईईजी के अंदर प्रेजेंट होगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप लोग किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।